यहाँ पर हम 5.2 एनसीईआरटी बुक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में तीन चार पार्ट है। पहला पार्ट में देखिए, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है ए, वो 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर डी मैंने कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 8 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है nth टर्म, ए एन आपको फाइंड करना है, आपको ए एन आपको फाइंड करना है। तो आपको मैंने पहले तीन वीडियो जो मैंने अपलोड करी है उसमें मैंने बता रखा है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज मेरे तीन वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसको एक बार आप जाके जरूर देख लें। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे एक बार तो इस चैप्टर के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसमें मैंने आपको सम ऑफ द nth टर्म कैसे निकालते हैं वो भी बताया, मैंने nth टर्म का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए उसमें, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर आपको वो वीडियो देखना है, तीनों वीडियो, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते ही होता है, इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला और एक सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए, हमें ए एन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, ए हमको दिया हुआ है, ए कितना है यहाँ पर, 7 है, यहाँ पर 7 रखिए, प्लस एन कितना दिया हुआ है, 8, एन को 8 रखिए, 8 माइनस 1 फॉर्मूले में है, और डी कितना दिया हुआ है, डी मैंने कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 3 है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई 3 21, प्लस 7 कितना होगा ये, तो यहाँ पर ये होगा 28। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जो ए एन है वो 28 है। ए एन का मतलब क्या है, आठवें नंबर पे जो टर्म लिखा हुआ है वह टर्म क्या है, 28 है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन 5.2 का, पहले का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो ए दिया हुआ है आपको, ए आपको ए दिया हुआ है माइनस का 18, और डी आपको बताना है, डी आपको बताना है, और आपको एन दिया हुआ है 10, आपको एन यहां पर 10 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म आपको 10 दिया हुआ है, और ए एन आपको दिया हुआ है 0, मतलब 10वें नंबर पे जो टर्म लिखा हुआ है वो 0 है। तो आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड हेयर कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इज गिवन, नंबर ऑफ टर्म इज गिवन, nth टर्म इज 0, एंड यू हैव टू फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस। नाउ सी हेयर, वी नो nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। जब भी आपको an दिया हो तो सबसे पहले दिमाग में लाइए कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन में सम ऑफ द nth टर्म दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, तो वहां पर sn का फॉर्मूला लगाइए, जो मैंने आपको बता रखा है। तो यह चैप्टर पूरा ही एकदम आसान है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एकदम आसान है, दो ही फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। अगर आपको वहां पर दिख जाए nth टर्म की बात कर रहा है तो an वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर आपको वहां पर दिख जाए सम ऑफ द nth टर्म तो sn का फॉर्मूला लगाइए, फिर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए, nth टर्म 0 दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, माइनस का 18, प्लस n, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, 10, n की जगह 10 रखिए, 10 माइनस 1, एंड d तो आपको फाइंड करना है, d को d रहने दीजिए। यहां पर इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस का 18, 10 में से 1 गया कितना होगा, 9, 9d, 9 मल्टीप्लाई डी 9d, प्लस इसको सॉल्व कीजिए, 18 ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस का, साइन चेंज होगा इधर से उधर जाएगा, तो और यहां पर क्या है, 9d, d यहां पर फाइंड कीजिए आप, d कितना आएगा, 2, तो यहां पर d का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2, तो कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड किया यहां पर 2। इसी तरीके से आप 5.2 का पहले के दो क्वेश्चन तो मैंने कर दिए हैं, और तीन क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सेम, बस यही फॉर्मूला लगाना है आपको nth टर्म का, और वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर 5.2 का सेकंड के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, और सेकेंड टर्म दिया हुआ है 7, थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, और यहां पर ये इनफाइनाइट नंबर दिया हुआ है, यहां पर सीरीज चल रहा है ये, और आपको फाइंड करना है 30th टर्म, आपको मतलब A30 फाइंड करना है, 30th टर्म 30वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मतलब A30 आपको फाइंड करना है। तो जस्ट nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए,
और आपका ए 30, एन को क्या रखेंगे आप 30, क्योंकि 30th नंबर पे क्या लिखा हुआ है वो टर्म आपको फाइंड करना है, तो एन को क्या रखेंगे 30, तो ए कितना दिया हुआ है 10, 10 प्लस एन कितना दिया हुआ है 30, 30 माइनस 1, और डी, डी यहां से आप निकाल सकते हैं ये सीरीज एपी में दिया हुआ है, तो डी कैसे निकालते हैं आप ए 2 माइनस ए 1, मतलब बाद वाला नंबर पहले और पहले वाला बाद में, तो इसको सॉल्व कीजिए आप कितना आएगा ये माइनस का 3, तो डी का वैल्यू कितना है माइनस का 3, आप पुट कर दीजिए, आप इसको आप सॉल्व कीजिए, 30 में से 1 गया 29, यहां पर माइनस 3, और इसको आगे सॉल्व कीजिए माइनस प्लस माइनस सॉल्व कीजिए इसको 87, 87 में से 10 गया कितना आएगा 77, तो यहां पर ये आएगा ए 30, 30th टर्म क्या होगा माइनस का 77। यहां पर देखिए अब 5.2 का सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको एक एपी सीरीज दिया हुआ है और आपको इसमें 11th टर्म आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड 11th टर्म इन दिस सीरीज। जैसे A1 क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है माइनस का 3, यहां पर सेकंड टर्म क्या है A2 कितना दिया हुआ है 1/2 माइनस का, वो आपको पता है nth टर्म आपका आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको 11th टर्म आपको फाइंड करने बोल रहा है, तो सबसे पहले आप दिमाग में लेके आइए कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर a कितना दिया हुआ है माइनस 3 और n कितना दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 11, 11th टर्म आपको फाइंड करना है, माइनस 1 यहां पर आएगा और d आपको फाइंड करना है, पहले आप d फाइंड कीजिए, d आप कैसे निकालते हैं देखिए, d आप निकालते हैं a2 माइनस a1, बाद वाला टर्म पहले, a2 माइनस पहले वाला टर्म a1, तो a2 यहां पर कितना है देखिए, a2 कितना है माइनस का 1/2 और a1 यहां पर कितना है माइनस का 3, देखिए यहां पर गलती मत कीजिएगा, दो बार माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में है और एक माइनस ये फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है माइनस का 3, तो यहां पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस यहां पर माइनस का 1/2, तो यहां पर इसको आप सॉल्व कीजिए, ये कितना आता है पहले एलसीएम लीजिए नीचे वाले का, दो और एक का एलसीएम के दो होगा, तो यहां पर आएगा माइनस 1 प्लस इसको डिवाइड कीजिए 2 और 2 3 जा 6, ये तो आपको आता होगा ये, और 6 में से 1 का कितना आएगा 5/2, तो आपने यहां पर डी फाइंड कर लिया पहले, डी कितना आया 5/2, इस डी को आप यहां पर लाके रखिए, तो यहां पर देखिए आप 11 में से 1 गया कितना आया 10 और यहां पर d कितना है 5/2, यहां पर आप रखिए 5/2, इसको सॉल्व कीजिए आप 2 5 जा 10 और 5 5 जा कितना होगा ये 25 प्लस ये माइनस का 3 और इसको आगे सॉल्व कीजिए आप 25 में से 3 गया कितना आएगा 22 प्लस का 22, तो मतलब a 11 11th टर्म क्या है प्लस का 22। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला अगर पता है तो। अब यहां पर देखिए मैं 5.2 का थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं और पांचों क्वेश्चन में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए आपको, मतलब किसी में सेकेंड टर्म मिसिंग है, किसी में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, किसी में थर्ड टर्म मिसिंग है, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे देख के टफ क्वेश्चन लग रहा है पांचवा, तो पहले मैं पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और आप उसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं, यहां पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहां पर, इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है और आपको सेकंड टर्म दिया हुआ है 38, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, फोर्थ टर्म आपको नहीं दिया हुआ ये भी मिसिंग है और फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है, ये आपको सारा फाइंड करना है, और यहां पर सिक्स्थ टर्म क्या है यहां पर ये देखिए सिक्स टर्म दिया हुआ माइनस का 22। जब मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीन वीडियो मैंने जो अपलोड किए हैं उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि ये nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, एक बार फिर से देखिए nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो टर्म गिवेन है उस पर आप nth टर्म का फॉर्मूला पहले लगा दीजिए, जो जो टर्म गिवेन है, यहां पर सेकंड टर्म गिवेन दिया हुआ है 38, यहां पर सिक्स टर्म कितना दिया हुआ है 22, तो सेकंड टर्म पे जाके आप फॉर्मूला लगाइए, ए टू कितना होगा, ए एन की जगह 2 रखिए, ए टू ए प्लस एन कितना है 2 है, मतलब ए टू ये ए एन होता है फॉर्मूला में, तो 2 माइनस 1 और डी हमको दिया हुआ नहीं है,
ए प्लस वन डी, मतलब यहां पर क्या हो गया ये ए प्लस डी। देखिए हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो इन सब पे पहले आप एंथ टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए पहले। तो सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा ए प्लस डी, उसी तरीके से सिक्स टर्म देखिए, सिक्स टर्म क्या होगा ए सिक्स क्या होगा ए प्लस फाइव डी। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर सिक्स टर्म निकालने बोलेगा तो एक कम कर दीजिए फाइव डी। अब यहां पर जब आप फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म में क्या आएगा एक कम कर दीजिए ए प्लस फाइव में से बन गया फोर फोर डी। क्यों कम कर रहे हैं देखिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है एन माइनस वन है, ए प्लस फिफ्थ टर्म है ना, तो फाइव माइनस वन फोर फोर डी। तो जल्दी से फॉर्मूला यूज करना सीखिए आप कि जो भी टर्म दिया रहे, जैसे मान लीजिए आपको ए फिफ्टी निकालने बोले कोई ए फिफ्टी पचासवा टर्म निकालना है आपको, तो क्या करेंगे ए प्लस फोर्टी नाइन डी, उसी टाइम आप कम कर दीजिए, उसी टाइम आप कम कर दीजिए ए प्लस फोर्टी नाइन डी। जैसे कोई बोलेगा आपको ए ट्वेंटी, ट्वेंटी टर्म आप निकाल के दिखाइए क्या आएगा, तो क्या आप करेंगे ए प्लस नाइनटीन डी, ये कम कर दीजिए। तो यहां पर तो 50 और 20 टर्म हमको निकालने बोला नहीं है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि कोई भी टर्म आपको निकालना बोले तो एक कम कर दीजिए आप, तो आसानी से आप जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमें सिक्स टर्म दिया हुआ, तो सिक्स टर्म पे भी मैंने फॉर्मूला लगा लिया, हमें सेकंड टर्म दिया हुआ है सेकंड टर्म में मैंने फॉर्मूला लगा लिया। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमको ए फाइंड करना है, पहले बात तो ए फाइंड करना हमको, और थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, थर्ड टर्म का, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा ए प्लस एक कम कर दीजिए टू डी। तो सबसे पहले आपको जब आप थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है तो आपको ए पता होना चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और आपको डी पता होना चाहिए। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तभी तो आपका थर्ड टर्म आएगा, तभी तो आपका फोर्थ टर्म आएगा, ए फोर क्या होगा ए प्लस थ्री डी। तो आपको ए और डी फाइंड करना है, तो एपी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में लेके आइए कि आपको ए सबसे पहले फाइंड करना है और आपको डी फाइंड करना है। जब ये दोनों आप फाइंड कर लेंगे तो आप पुट कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ए और डी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पर हमको एक इक्वेशन ये दिया हुआ है जो यहां पर सेकंड टर्म दिया हुआ है इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, और यहां पर सिक्स टर्म दिया हुआ है इसमें भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए सिक्स टर्म क्या दिया हुआ है ए प्लस फाइव डी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कीजिए, वहां से आप ए और डी फाइंड कर लीजिए पहले। तो देखिए इनको सॉल्व कीजिए, तो 38 सेकेंड टर्म यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए 38, तो ये क्या है ए प्लस डी, और यहां पर देखिए सिक्स टर्म, सिक्स टर्म कितना दिया हुआ है ए सिक्स कितना है माइनस का 22, और ये कितना दिया हुआ है ए प्लस फाइव डी। तो ये देखिए यहां से दोनों मैंने इक्वेशन लिख लिया, इसको सॉल्व करना आपको। अब देखिए यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कीजिए, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए ए का कोएफिशिएंट यहां पर वन है और यहां पर भी ए का कोएफिशिएंट वन है और साइन दोनों का प्लस है, तो मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले का साइन पलट देते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का ये प्लस का है साइन, तो प्लस का क्या होगा माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, नीचे वाले इक्वेशन का साइन पलट देते हैं, ठीक है ना। तो a माइनस का यहां पर a प्लस का, ये कट जाएगा, 38 में आप 22 जोड़िए, ये प्लस का 22 है तो कितना होगा 60 होगा ये देखिए, ठीक है। और यहां पर ये कितना आएगा, ये 5d अब प्लस का नहीं है, ये माइनस का 5d है, तो 5 में से एक गया कितना आएगा माइनस का 4d। यहां से आप d फाइंड कर लीजिए पहले, यहां पर d कितना आएगा देखिए, d कितना आएगा यहां पर, d आएगा 15 आएगा, देखिए D का वैल्यू आएगा यहां पर माइनस का 15, तो आपने यहां से D फाइंड कर लिया, D का वैल्यू कितना है माइनस का 15। इस D के वैल्यू को आप कोई भी जो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है किसी में भी आप पुट कर दीजिए, वहां से आप A का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे मैं ये ले रहा हूं, जो हमारा पहला इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये वाला हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कीजिए ए प्लस डी आपको दिया हुआ है, ये ए प्लस डी कितना है 38 है, डी का वैल्यू आप यहां पर ला के रखिए, डी कितना दिया हुआ है माइनस का 15, तो आप यहां पर ला के रखिए इसको, तो ए का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए यहां से, माइनस का 15 इधर जाके क्या होगा प्लस का, तो 38 पहले से इधर है और ये माइनस का क्या होगा इधर जाके प्लस का, तो प्लस का, फिर इसको जोड़िए कितना आएगा, तो ए का वैल्यू आपका कितना आएगा 53, तो ए का वैल्यू आ गया 53, ए मतलब फर्स्ट टर्म,
तो आपको देखिए फर्स्ट टर्म तो पता लग गया, देखिए यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म कितना आ गया a1 कितना आ गया 53। अब आपको सेकंड टर्म तो दिया हुआ है, आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, ये a3 है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस a कम कर दीजिए a प्लस 2d, तो a का वैल्यू पुट कीजिए, a कितना है 53, फर्स्ट टर्म 53 और 2, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है माइनस का 15। इसी तरीके से आप पुट करते जाइए, तो इसको सॉल्व कीजिए 53 ये प्लस माइनस माइनस 15 × 30, तो इसको माइनस कीजिए कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर यह आएगा 3 और यहाँ पर यह आएगा 23, तो a3 कितना आ गया 23। तो यहाँ से पता लग गया हमको, ये वाला टर्म पता लग गया a3, a1 हमको पता लग गया, a1 कितना आएगा ये 53। उसी तरीके से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म पता लग गया है, फर्स्ट टर्म कितना है 53 है, सेकेंड टर्म तो दिया हुआ है कितना है 38 है, थर्ड टर्म हमने फाइंड किया अभी कितना आया 23, थर्ड टर्म कितना आया 23 और फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a कम कीजिए a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a कितना है 53 प्लस 3d कितना है, d है माइनस का 15, d दिया हुआ है माइनस का 15, तो 15 3 या 45 माइनस का 45, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 53 में से 45 का कितना आएगा 8, तो ये आएगा a4 कितना आ गया 8। तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, सेकंड टर्म दिया हुआ था, थर्ड टर्म फाइंड कर लिया, फोर्थ टर्म हमने फाइंड कर लिया है, और यहाँ पर हमने अब फिफ्थ टर्म फाइंड करना है a5। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ ये कैसे आया, फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही हम n को 5 रखेंगे, 5 में से बन गया 4, तो a प्लस 4d तो आएगा, तो इसको आप जल्दी से पुट कीजिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप nth टर्म का फॉर्मूला पुट करना आप सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो a5 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। अब वैल्यू पुट कीजिए, a कितना दिया हुआ है 53, ये देखिए फाइंड किया हमने, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया है 53 प्लस 4, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू हमने फाइंड किया है 15 माइनस का 15, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 53 ये 15 × 60, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा माइनस का 7। तो हमने फाइंड किया a5 कितना आया माइनस का 7। तो इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू हम मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो चाहे दूसरा तीसरा चौथा। मैंने पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।